मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर हूँ। ये बुकिंग काउंटर है यहाँ बहुत सारे, और ये बुकिंग सेंटर में यहाँ तमाम लोग टिकट अपना करवा रहे हैं। तमाम जो पैसेंजर यहाँ पर हैं उनसे मैं बात करूँगा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास आज अहमदाबाद में हुआ उसके बारे में उनकी सोच क्या है, क्या कहना है। आप जानना चाहेंगे कि अहमदाबाद को नई सौगात मिली है, बुलेट ट्रेन के बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, अहमदाबाद डिजर्व कर रहा है क्योंकि हाईएस्ट रेलवे को इनकम यहीं से हो रही है, और जो टूरिज्म है और कॉमर्शियल पर्पज से भी अहमदाबाद बॉम्बे का जो ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है इट विल बी मोस्ट सक्सेसफुल। और यूपीए गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया था वो आज इसका रियली इनिशिएटिव हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। किराए को लेकर क्या कहेंगे, किराया कितना होना सही है? ये इतना तो रहेगा, 3000 तक तो रहेगा, क्यों नहीं, ऑफकोर्स इट शुड बी लाइक दिस। क्या कहेंगे, एक बड़ी सुविधा होगी बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में? ठीक है सर, क्या बोले सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को 2022 तक उम्मीद है शुरू होने की, बुलेट ट्रेन से सफ़र कितना आसान होगा और किराए को लेकर आप क्या कहेंगे? जो 3000 का टिकट तो होगा ही, जो जिसको पसंद आएगा वो ट्रेन में बैठेगा, कब उसका कोई फिक्सिंग तो है नहीं, फर्जियात भी नहीं है, तो अच्छा तो रहेगा ही। लेकिन आप मानते हैं कि किराया ज़्यादा है, किराया कम होना चाहिए? वो तो जो खर्चा जो उनको हिसाब से निकाला होगा ना, हमको तो नकी करने वाला नहीं है। आप क्या कहेंगे बुलेट ट्रेन की जो आज प्रोजेक्ट शुरू हुआ? बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन आप अन्य जो रेलगाड़ियों में सफ़र करते हैं उनकी हालत भी जग जाहिर है, आपको लगता है कि बुलेट ट्रेन लाना एक अलग बात है लेकिन जो रेलगाड़ियां चल रही हैं उनकी सर्विस बेहतर हो, दुर्घटनाएं ना हो? वो तो कोई ये कोई गलत बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए दुर्घटना हो रही है वो कुछ रीजंस की वजह से होती है, ठीक है, बट गवर्नमेंट बहुत ये ट्राई भी कर रही है ताकि ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे कि नई बुलेट ट्रेन की शुरुआत में आज पहला जो कदम वो रखा गया है अहमदाबाद में, आप लोग मुसाफिर हैं कैसे देख रहे हैं इस पूरे योजना को आप? ऐसे बुलेट ट्रेन लाना एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट तो कही जा सकती है, लेकिन क्या आम लोगों को इसकी कितनी ज़रूरत, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखने लायक है, क्योंकि इसका किराया बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप क्या मानते हैं, मांग है कि किराया कम होना चाहिए? किराया कम हो तभी तो आम लोग यूज़ कर सकते, क्योंकि ट्रेन में जाने वाले वो लोग जो बुलेट ट्रेन में जा सकते हैं वो तो हवाई जहाज़ में भी जा सकते हैं। क्या कहेंगे, बुलेट ट्रेन की सौगात मिल रही है आप लोगों को? बुलेट ट्रेन जो आ रही है वो जो सरकार ने लाया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है, उससे ट्रैफिक भी समस्या हल हो जाएगी, जिसको वक्त पे पहुंचना है वो जल्दी से पहुंच जाएगा, और जितने कम से कम टाइम में वो पहुंचा सकती है वो सबसे अच्छी बात है। लेकिन किराया बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा आपको कि 3000 रुपये किराया अगर कम होता तो और ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा पाते? हाँ, कम होता तो ज़्यादा फ़ायदा उठा पाते लोग, ये ज़्यादा किराया होने की वजह से थोड़े पैसेंजर कम हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कहना? हाँ, किराया कम होना चाहिए, किराया कम हो जाएगा तो पब्लिक भी ज़्यादा आएगी, अभी किराया ज़्यादा है तो फिर कोई बैठेगा भी नहीं जल्दी उसमें। तो जो खुशी है बुलेट ट्रेन मिलने की वो तब ज़्यादा होती अगर ये भी साथ साथ में मैसेज दिया जाता कि कम किराया होगा, हम पब्लिक भी आसानी से जा सके। हाँ, सबको ऐसा पॉजिटिव हो जाता कि नहीं हम भी जा सकते, जो स्टूडेंट्स भी है या फिर स्टूडेंट्स होने के नाते क्या डिमांड करेंगे आप, कोई अपने लिए कोटा चाहते हैं स्टूडेंट्स या रियायत चाहते हैं टिकट में, डिस्काउंट चाहते हैं? हाँ, कंसेशन मिले, पास मिले, कंसेशन मिले, क्या मिले? कंसेशन मिले तो अच्छा है स्टूडेंट को। बुलेट ट्रेन अच्छी है लेकिन उसमें भाड़ा ज़्यादा है और जनता के लिए कुछ अच्छा नहीं है, वो भाड़ा कम हो तो वो लोग जा सकते हैं, और मामूली मध्यम वर्ग के लिए तो कुछ वो लोग मुसाफरी और कुछ ये कर नहीं सकते। 3 घंटे में अहमदाबाद से मुंबई पहुँचेंगे तो स्वाभाविक बात है कि इतना दाम तो जरूर लगता है। किराए के बारे में क्या कहेंगे, फ्लाइट से ज़्यादा अगर किराया होगा तो सब लोग ना तो फ़ायदा ले पाएंगे ना वो उतना सक्सेस होगी जितना प्रचार किया जा रहा है बुलेट ट्रेन का? ऐसे भी हम लोग एयरपोर्ट से जाते हैं तो एयरपोर्ट में चेकआउट के लिए और 2.5 घंटा का 1 घंटा वहाँ वेस्ट होता है, इतना तो इधर से भी होने वाला है, और उधर और क्या है तो वो तो हम लोग बैठे नहीं है। आप मानते हैं किराया कुछ कम होना चाहिए? ना, किराया तो इतना तो रहेगा ही, ऐसा मुझे तो लगता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 12 स्टेशन पे शायद ये ट्रेन रुकने वाली है, और इतनी फास्ट ट्रेन है तो घड़ी घड़ी उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम, तो इट शुड बी डायरेक्ट फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे लाइक दुरंतो। थैंक यू। किराया आपको लगता है ज़्यादा है या ठीक है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
फ्लाइट से ज़्यादा किराया होगा तो फिर आम लोगों को कैसे सुविधा का लाभ ले पाएंगे? बुलेट ट्रेन तो मतलब बुलेट ट्रेन होती है ना, आम ट्रेनें तो बहुत है, अहमदाबाद से बॉम्बे की बहुत सारी ट्रेन्स हैं, तो उसमें आम आदमी खुद भी जा सकता है। लेकिन बुलेट ट्रेन कुछ हायर अपर क्लास लोगों के लिए है कि अगर शायद हमें एयर की टिकट नहीं मिलती है तो वी कैन गो थ्रू बुलेट ट्रेन। अच्छा है, अगर थोड़ा सा किराए में ठीक ठाक रेट रखेंगे तो आम आदमी भी उसके रीच पे होगा। फ्लाइट से अगर सस्ता होगा तो ही बुलेट ट्रेन सक्सेसफुल होगी, क्योंकि ठीक है नया नया जब होगा लोग ट्राई करने के लिए शायद फर्स्ट टाइम यूज़ कर लें, पर अगर एयर टिकट से महंगा हुआ तो आई डोंट थिंक कि वो सक्सेसफुल होगा। बुलेट ट्रेन आपको मिलने जा रही है 2022 तक मिल जाएगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, क्या कहेंगे? हमको तो जाना ही नहीं है इसमें। क्यों, किराया ज़्यादा इसलिए? पोषण नहीं हो सकता इसमें, ये टिकट का पोषण नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि किराया ज़्यादा रखा जा रहा है, कम होना चाहिए जिससे ज़्यादा लोग कम होना चाहिए तो कम होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? हम लोग तो एक्साइटेड है क्योंकि जर्नी हम लोग फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। एंड को लेके क्या कहेंगे, जो किराया है जो तो नॉर्मली होगा 10-15 रुपये, ज़्यादा 50 रुपये आगे बड़ा होगा। और तो 3000 रुपये का किराया होगा बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद से मुंबई के बीच, उसमें टाइम भी हमारा बचेगा ना क्योंकि इधर लंबे समय तक हम लोग खड़े रहते हैं, ठीक है, उसका टाइमिंग कम होगा। तो क्या कहेंगे सर? वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि 2 घंटे का जो 6 घंटे का सफ़र है वो सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म होने वाला है, इसके लिए एक्साइटेड। और किराया मैटर नहीं करता है, जो इंसान का टाइम होता है टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो समय की बात कर रहे हैं कि समय बचेगा वो बड़ी बात है, आपसे जानना चाहेंगे बुलेट ट्रेन के बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया बात है, अगर बुलेट ट्रेन चलती है तो समय कम लगेगा। लेकिन जो किराया तय किया जा रहा है 3000, वो ज़्यादा लगता है आपको? बिल्कुल ज़्यादा लगता है, किराया ज़्यादा है सर, प्लेन के बराबर का किराया है, किराया ज़्यादा है। हाँ, तो ये सवाल उठ रहा है कि फिर आदमी प्लेन से ही जाएगा, बुलेट ट्रेन में क्यों जाएगा, और आम आदमी भी उससे सफ़र कर सके इसलिए किराया बस का रोग नहीं है सर, आम आदमी नहीं जा पाएगा उसमें, किराया बहुत ज़्यादा है। क्या कहेंगे आप बुलेट ट्रेन के बारे में, और जो किराया तय किया जा रहा है 3000 रुपये अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, हालांकि 2022 तक चलेगी लेकिन शुरुआत शिलान्यास हुआ है, उस योजना की शुरुआत हुई अहमदाबाद में, आज चालू करवी जो है वांधो नहीं, पण जे अत्यार जे चाले छे ट्रेन ए घर की इधर पहला चलावी जो है, बुलेट ट्रेन चलाओ एनो वांधो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अलग अलग मुख्तलिफ यहाँ आवाज़ें सुनी, राय सुनी, कुछ लोगों का कहना है कि किराया कोई इशू नहीं है, समय बड़ा कीमती होता है, अगर समय बचता है तो उस किराए को अफोर्ड किया जा सकता है। दूसरी तरफ ये भी कुछ लोगों की राय है कि अगर किराया कम किया जाएगा तो फिर जो आम लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ट्रेन से सफ़र कर पाएंगे। हालांकि 2022 तक उम्मीद है कि ये बुलेट ट्रेन शुरू होगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, लेकिन शिलान्यास हुआ है अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने शिलान्यास किया है, और उस इवेंट के बाद अगर देखें तो एक लोगों में कौतूहल है, लोग एक्साइटेड हैं, लोग खुश हैं इस बात से कि हिंदुस्तान में पहली बुलेट ट्रेन की जो सौगात है वो अहमदाबाद को मिलने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कसर किराए को लेकर भी है कि अगर किराया ज़्यादा होगा तो फिर जो मज़ा जिसकी उम्मीद है वो लुत्फ सफ़र का शायद उतने लोग नहीं उठा पाएंगे जितने लोग यहाँ पर खुश हैं और जितनी उम्मीदें हैं लोगों को। कैमरामैन मनमीत सिंह खालसा के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, अहमदाबाद।